हिमाचल से हैं शैलजा शर्मा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जय हिंद, बताइए। सर, मुझे अपनी मम्मी के लिए पूछना है। उनका शुगर लेबल पे है, कोलेस्ट्रॉल भी है, और गले में ना जब से कुछ खाते हैं तो खिरखिरी सी पड़ जाती है और दर्द रहता है। जैसे पानी पीते हैं तो दर्द होता है और जीभ में भी दर्द है। और जी मुझे अपने पापा के लिए ये पूछना है ना, पापा के घुटने में जो नीचे वाली जगह होती है ना, तो उसमें जैसे उठते टाइम, जैसे नीचे बैठे होते हैं तो उठते टाइम ना उसमें काफी दर्द होता है। उठते टाइम से वैसे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दोनों की आयु बता दीजिए। मम्मी की 59 है और पापा की 68 है। अच्छा, देखिए मम्मी को ये मेथी तो समझते ही होंगी आप, मेथी का दाना इसको खूब बारीक पाउडर बना लीजिए और आधा चम्मच यानी 2-2.5 ग्राम एक गिलास गर्म पानी में डालिए, खूब गर्म, ये चाहें तो उबाल लें। और इसमें आधा ग्राम तो सॉरी 2-2.5 ग्राम तो ये आप डालेंगी मेथी का पाउडर, और एक चुटकी में जितना खाने का सोडा, आप जानते होंगे खाने का सोडा तो महिलाएं सब जानती हैं, उसमें मिला के ऐसे मिक्स करके और गर्मा गर्म ये चुस्कियाँ लेकर पिलाइए। जैसे चाय होती है ना, हम एक साथ नहीं पी सकते, चुस्कियाँ लेकर पीते हैं, ऐसे पिलाया करिए रोज़ाना एक बार, आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है। आपके डैडी को एक आता है गोंद स्याह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, लेकिन आजकल ये नकली बहुत मिलने लगा, असली लें। और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के पश्चात, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद आप दिया करें पानी के साथ, तो आपके पापा का भी ठीक होना मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका, क्या नाम है? गुलाब सावंत। जी गुलाब जी, आपका सवाल क्या है? मुझे पेट साफ नहीं होता है, प्रॉब्लम में बहुत साल से पहले से ये। एज क्या है आपकी? एज तो 68। 68 जी। हाँ सावंत साहब, देखिए आप नुस्खा लिख लें तो फ़ायदा होगा, अंदाजे से याद रखेंगे तो कुछ भूल सकते हैं। देखिए मेथी का दाना, सौंफ का दाना, धनिया का दाना और सूखा हुआ आंवला, ये 100-100 ग्राम खरीदें। और एक चीज़ है जिसे कहते हैं सफ़ेद गोंद मोरंगा, सफ़ेद मतलब वाइट, इसमें नकली बहुत मिलते हैं तो आप याद रखें, बाकी चीज़ें तो आप पहचानते ही हैं, लेकिन सफ़ेद गोंद मोरिंगा लेना है, यही असली होता है, बाकी सब नकली होते हैं। 100 ग्राम ये भी लें, सब चीज़ों को 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी अगले कॉलर हैं हमारे साथ प्रीतम कौर, स्वागत है आपका। हेलो जी, कहाँ से बात कर रही हैं? कुशेत्तर से जी। आपका सवाल क्या है? सवाल है, मेरा बीपी बहुत बढ़ता है, कमर में दर्द रहता है, नींद नहीं आती। कब से दिक्कत है ये? ये 3-4 साल से दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। उम्र क्या है? उम्र मेरी 65 साल है जी। वो दवाई भी ले, कैप्सूल मंगवाए थे वहाँ से आपके पास से, कुछ कमर को तो दर्द ठीक है, और बीपी के लिए और कमर के लिए कोई और बता दो दवाई। जी जी ठीक है। अच्छा, दर्द की दवा आप खाते रहे और बीपी की भी दवा खाते रहे। और देखिए एक नुस्खा ऐसा है कि जिससे जो बीपी को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल का भी बड़ा दुश्मन है और दिल का बड़ा ख्याल रखता है, दिल के जो ब्लॉकेज हो जाते हैं, हार्ट ब्लॉकेज जिसे कहते हैं, उन तक को खोलता है, और लीवर का भी बहुत ख्याल रखता है और डायबिटीज़ का भी ख्याल रखता है। तो वो है जैतून का सिरका, जैतून का सिरका 3 चम्मच दिन में और 3 चम्मच रात में पानी में मिला के लें, छोटे चाय के चम्मच, और ये नींद आपको ऐसी आएगी कि कभी आप जवानी में सोते होंगे,
इसे आप लेना शुरू करें, आपको पहले दिन से ही एहसास होगा कि आप अच्छी नींद सो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी खून भी बहुत पतला कर देता है जितना ज़रूरत के मुताबिक। आप इसे लेना शुरू करें, आपके 4-5 रोग में यह अकेला जैतून का सिरका काम करता है। तो देखिए, आपको पहले भी आराम मिल चुका है और आपने दोबारा भी उसी विश्वास के साथ कॉल किया है, क्योंकि आपने वो धैर्य रखा, आपने वो संयम रखा। आदर्श को यही वो रिजल्ट होते हैं जो आप लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप लोग इंतज़ार कर लेते हैं कुछ महीनों का, ये नहीं कि सालों साल आपको कोई ट्रीटमेंट करना है, लेकिन सब्र तो रखना होगा ना। अगर सब्र कर सकते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। जी किरण, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ जी। आपका सवाल क्या है? तो मुझे हकीम साहब से बात करनी है जी। जी किरण बताइए, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। नमस्कार जी। जय हिंद। मेरी कमर में दर्द होता है जी, 5-6 साल से, और पैरों में दर्द होता है, और पेट की पसलियों में दर्द होता है। मैंने और सिया गोंद मंगवाया था आपके यहाँ से, 24 तारीख को, एक महीना हो गया जी। जी। और सिरका मंगवाया था अपने हस्बैंड के लिए, तो मुझे उससे आराम नहीं है सर जी, ना पेट में ना कमर में, कहीं आराम नहीं मिला मुझे। अच्छा, ज्यादा हो गया क्या? नहीं, बीच में कुछ ज्यादा हो गया था सर। ठीक है ठीक है। अच्छा बेटा देखो, ये जिनको भी ज्यादा होता है वो भी ठीक होते हैं, उनको जरा टाइम लगता है, और जिनको कमी होता चला जाता है उनको बहुत जल्दी फायदा होता है। तो आपको भी फायदा होगा। अभी आपके पास 4 महीने हैं, ये गोंद 4 महीने चलेगा। और अगर आप कोई गफलत कर रहे हैं, जैसे ये वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो वो जरूर करें, और बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उससे बाद आ जाइए। पोंछा वगैरह, कपड़े धोना हाथ से बैठ के ज़मीन में, या पोंछा लगाना बंद कर दे, किचन में खड़े होकर सब काम करें। और अभी बहुत गुंजाइश है, और जो बढ़ा था वो कम हो गया, ये ऐसे कम होता जाएगा इसलिए आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन बढ़ के कम होना शुरू हुआ है। आपको अगले 15 दिन में खातिर का फ़ायदा होना मुमकिन है जी। मुन्नी है फरीदाबाद से, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, तो मैं आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, शुक्रिया। तो हाँ, मैंने जब पहले फोन लगाया तो आपके हॉस्पिटल में लगा जाते, तो उन्होंने मेरे को दवाइयाँ भी भेज दी, लेकिन मैं हकीम जी से बात करना चाहती हूँ। जी जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। ऐसा है, मेरा 160 का दर्द कमर में, उस कम से कम 10-12 साल हो गए। ठीक है। और मैं पहले मेरे घुटनों में दर्द था, तो मैं दवाइयां खा रही हूँ काफी साल से। ठीक है। और हाँ, और मैं, मेरा बेटा था 35 साल का, तो उसकी किडनी खराब हो गई, वो खत्म हो गया, तो मेरे पैरों में अटैक पड़ गया था, तो मैं चल नहीं पाती थी। अब मैं अकेली ही रहती हूँ बिल्कुल, और मैं दवाइयाँ खा के, अब मेरे दर्द तो बंद है घुटनों का, और साटका का दर्द है वो नहीं खत्म हो रहा है, तो मैं, मेरे को शुगर भी है, बीपी भी है, और काफी साल हो गए इस चीज को, तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा। मैं वैसे किसी की दवाइयों पर भरोसा नहीं करती, मैंने आपका देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने आपके लिए फोन करा, पर आपके हॉस्पिटल में लगा, तो मेरे को उन लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा, फटाफट फटाफट दवाइयां भेज दी हैं, और मेरे को तसल्ली नहीं हो रही। मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ, बताइए क्या क्या दवाई है आपके पास? हमें तो बड़ी मुश्किल से दवाई देते हैं, आपको फटाफट कैसे भेज दी? हाँ, और मैं कल मना भी कर रही थी, अभी मत भेजो, फिर भी उन्होंने भेज दिया जी। अच्छा, क्या है आपके पास, क्या दवाई है मुझे बताइए। गोंद भेजा, काला गोंद। हाँ, काला गोंद भेजा 1650 रुपए का जी। ठीक है। हाँ, वो भी मिल गया, वो भी रखा है। फिर मैंने उस गोंद को, उन्होंने जैसे बताया मैंने खाया, मेरे मुंह में पक गया, फिर मैंने दूध में खाया,
वो भी मेरे को वो डली डली सी बन गई। फिर जी मैंने फोन किया, फिर कोई डॉक्टर मिला, उसने जो है अमित डॉक्टर से बात नहीं कराई मेरे लिए, और सामान लिख दिया, एक अश्वगंधा और अलसी हल्दी और कलौंजी। समय कम है। तो मेरी की बेटा, मैं तो अकेली रहती हूँ, मेरे कौन ठीक लाने है वाला है, फिर भी मैंने कहीं से मंगाया। ठीक है ठीक है। अच्छा, समय बहुत कम है, आप जवाब सुन लीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें पाउडर बना के 1-1 ग्राम 2 से 3 टाइम खाएं, आपको अच्छा लगेगा कि 5 या 7 दिन बाद आपको फ़ायदा शुरू हो जाना चाहिए। और ये ख़त्म होने से पहले आपको रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। ये बात करते हैं अगले कॉलर से, पश्चिम बिहार से हैं सुमन, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद। डॉक्टर साहब मेरा ये क्वेश्चन है, पहले तो मैंने आपसे गौनसिया मंगाई थी, तो मेरे को काफी आराम है उसमें, और उसके लिए आपका थैंक यू है। मैंने बहुत शुक्रिया। गौन मोरिंगा भी मंगाई है, मेरी पोती ने आपसे बात की थी उसके लिए, हाइट एंड बालों के लिए। और अब मेरा ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड की ना कल तबीयत हो गई थी खराब, शॉप पर ही उनका राइट हैंड चलना बंद हो गया था, और थोड़ा सा मुंह पर भी इफेक्ट आया है जैसे, तो उसी टाइम डॉक्टर के गए, फिर हॉस्पिटल लेके गए हम लोग, तो बीपी हाई था उनका, फिर बीपी की दवाई दी तो उन्होंने कहा एमआरआई वगैरह सीटी स्कैन कराओ, आज वो भी कराया है, तो कुछ क्लॉट्स बताए हैं उन्होंने माइंड में, सिर में ना, ठीक। तो उसके लिए आप कुछ बताइए। थोड़ा अभी भी उनका मुंह में इफेक्ट है, बोलने में भी थोड़ा सा आ रहा है, और राइट हैंड नहीं चल रहा उनका प्रॉपर, कुछ पकड़ नहीं हो रही, जैसे लिखते हैं ना लिख भी नहीं पा रहे, पेन नहीं ठीक है पकड़ ठीक। पा रहे। कितनी आयु है भाई की? 60 ईयर्स। ठीक है। अच्छा देखिए, मैं यही कहता हूँ कि 45 के बाद कभी भी हमें कोई अटैक हो सकता है। ये फालिज का अटैक आया हल्का सा, अभी से होशियार हो जाइए और आप मेरी बात बहुत गौर से सुनेंगी, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको फ़ायदा हो चुका है गौनसिया से, और ये फ़ौरन आप करें, डॉक्टर का इलाज करें, ज़रूर करें, वो दवा लें जो डॉक्टर देता है, लेकिन ये क्लॉटिंग नहीं खोल सकते। आप दवा ज़रूर लें और एक नुस्खा बस आजकल में बना लें। आप दिल्ली से हैं तो आपको बहुत आसानी भी होगी, हर चीज़ यहाँ मिलती है। देखिए, नींबू का रस निकालिए और अदरक का रस निकालिए, लहसुन का रस निकालिए, सबकी तादाद 1-1 लीटर हो, और जैतून का सिरका इसमें 1 लीटर मिलाइए, और इन्हें 3-3 चम्मच 3 टाइम दीजिए, फिर बाद में जाके 2 टाइम कर देंगे। ये ब्लॉकेज को ढूंढ कर निकालता है और ये 5 महीने चलेगा, और 5 महीने में आपके जो खाविंद हैं, पति हैं, उनको पूरा फ़ायदा हो जाना चाहिए, और हर साल फिर 2-3 महीने ज़रूर पिलाया करें, और इसे आप भी लें। देखिए, इस वक्त कोई भी इस दौर से गुजर रहे लोग के ना महिला सुरक्षित है ना पुरुष, ये होता ही है। मैं कहता हूँ 45 साल के बाद ये हर किसी को होता है, पता हो या ना हो, जब ये अटैक आता है। देखिए, भगवान ने आपको बचा लिया, पति को, आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे, नहीं तो आदमी को बहुत तकलीफ़ होती, पूरा घर कारोबार सब ठप हो जाता है। तो आप भी पिया करें, और आपके घर में कोई भी 45 साल से ज़्यादा का है उनको भी पीना चाहिए। आज आप जल्दी से जल्दी बनाएं और इन्हें पिलाएं, डॉक्टर की दवा देते रहें। मैं भी दुआ करूंगा और आप भी दुआ करिए कि उनको जल्दी फ़ायदा हो जाए।